तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग की। ये हमारी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला की तीसरी क्लास है। दो क्लासेस में, एक में हमने आर्किटेक्चर में फंडामेंटल के बारे में जाना था एक्सेल की, दूसरी क्लास में मैंने बताया था सिलेक्शन मेथड, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। आज हम बात करेंगे मेनू के हिसाब से चलेंगे, तो हम फाइल मेनू बार में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं। और मैं एक नया एक्सेल फाइल खोल लेता हूं। हम बात करेंगे फाइल मेनू बार से। जब भी कोई नई एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने डिफॉल्ट होम पेज इस तरह का आता है। जी हाँ, जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा। तो ये होम पेज करता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अलाउ करता है ब्लैंक वर्कबुक, मतलब कि एक नई सीट, एक नई फाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज टेम्पलेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ टेम्पलेट भी देता है। ये टेम्पलेट आपके सामने दिख रहा है, सारे टेम्पलेट जो इससे पहले आपने यूज किया था, मतलब टेम्पलेट मतलब बना बनाया फॉर्मेट। जो फॉर्मेट बनी बनाई है वो आपको शो कर रहा है। उसके नीचे देखिए तो यहाँ पे आपके सामने कुछ रिसेंट वर्कबुक दिखेगा, जो रिसेंटली आपने उसको ओपन किया है वो रिसेंट वर्कबुक आपको नीचे शो करता है। रिसेंट वर्कबुक, रिसेंट वर्कबुक की तीन कैटेगरी है। एक है रिसेंट, जो आपने हाल में खोला है वो रिसेंट आएगा। उसके अलावा पिन। अभी होता है क्या है कि ये जो रिसेंट वर्कबुक का लिस्ट है ये अपडेट होते रहता है। जैसे मान लीजिए मुझे डेटा को बार बार ओपन करना है या अप्रैल को बार बार ओपन करना है, तो मान लीजिए अगर दो दिन में इसको ओपन नहीं किया और दो दिन में बहुत सारे फाइल ओपन कर ली तो क्या होगा, ये लिस्ट से बाहर चला जाएगा। जैसे जैसे नए फाइल हम ओपन करते जाएंगे इस लिस्ट में नीचे से आता जाएगा, ऊपर से आता जाएगा, नीचे से हटता जाएगा। लेकिन पिन कर, जैसे देखिए ह्यूमन रिसोर्स को मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, बस क्लिक करना है पिन हो जाता है। ओके, ये आपका पिन वाला लिस्ट में चला आता है। यहां से ओपन कर सकते हैं शेयर विथ मी। जैसे आप एक्सेल अगर लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो इस शेयर विथ मी में क्या होगा कि जो आपको फाइल शेयर किया गया है वो आप यहां से ओपन कर सकते हैं। शेयर किसने किया है वो आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद हम न्यू में आते हैं। न्यू में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक, इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स है। एक टेम्पलेट है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कुछ बनाने के लिए, जैसे कि आपको बोला गया इनवाइस बनाने के लिए। अब इनवाइस या बिल बनाने के लिए बोला गया, लेकिन इनवाइस या बिल आपने इससे पहले कभी बनाया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है या टाइम नहीं है, बनाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ टेम्पलेट के सर्च बार में बिल को सर्च करें। जैसे आप बिल सर्च करेंगे, बिल या इनवाइस जो भी कीवर्ड डालेंगे वो कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने दिख जाएगा। अब जो आपको यूज करना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ठीक ठाक लगा ए वाला, इस पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। लेकिन ध्यान रहे ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इंटरनेट एक्सेस उस समय होना चाहिए। ये आपका बना बनाया फॉर्मेट आ गया। अब आपको क्या करना है, कंपनी का नाम, स्लोगन, एड्रेस, बाकी डिटेल चेंज कीजिए और आपका इनवाइस रेडी हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टेम्पलेट यही होता है जो न्यू में आपको मिलता है। हर कैटेगरी का होता है, जैसे आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आपके बिजनेस रिलेटेड आ जाता है। तो कैटेगरी के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको एक्सेल में वर्ड, पावर पॉइंट सब पे आपको ये टेम्पलेट दिखता है। अब बात करते हैं ओपन की। आप कोई भी वर्कबुक यहां से ओपन कर सकते हो, बट जैसे होम में आपके सामने जो रिसेंट वर्कबुक था वो लिस्ट कम था, बट ओपन में लिस्ट आपको थोड़ा से लंबी मिलेगी, लंबा आपका रिकॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे आपको फोल्डर का लिस्ट मिलेगा, जो रिसेंट यूज फोल्डर है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, डिस्क पीसी, एड पैलेस, ब्राउज, आप यहां से क्लिक करके
अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आती है इन्फो। इन्फो मतलब कि जो फाइल आपकी ओपन है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां देख सकते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन यहां वर्क नहीं करती। अगर हम एक्सेल पे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि हम अप्रैल नाम का वर्कबुक दिख रहा है आपको, अब ये अप्रैल नाम का जो वर्कबुक आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें है क्या। अब मुझे इस फाइल को ओपन करेंगे, क्लिक करके जब ओपन करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या। मान लीजिए आपने 6 महीने साल उम्र कोई फाइल बनाया, उसका नाम आपने डेटा रख दिया, रिपोर्ट रख दिया, समरी रख दिया, तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि उसके अंदर कौन सा समरी है, कौन सा डेटा है, कौन सा रिपोर्ट है, जब तक कि आप उसको ओपन नहीं करते हो। लेकिन उससे आप कर्सर ले जाएंगे तो 3 चीजें मिलेगी। पहले ऑथर, इस फाइल को किसने बनाया, फाइल की साइज और डेट, मॉडिफाइड डेट कि कब बनाया। लेकिन इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन आप इस पे डाल सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? अब मैं इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां डिटेल्स में टाइटल आपको दिख रहा है, इसमें डाल दीजिए कि दिस इज सेल्स रिपोर्ट डेटा। इसके अलावा सब्जेक्ट लाइन में कुछ और डालना है तो कुछ और डाल दीजिए। टैग, अलग अलग कीवर्ड्स डालने हैं तो कीवर्ड डाल दीजिए ताकि सर्च में आसानी हो। उसके बाद इसको अप्लाई कर दे, ओके कर दीजिए। अब एक बार रिफ्रेश करूंगा तो इस पे कर्सर रखते ही यहां आपको टाइटल दिखेगा, दिस इज द सेल्स रिपोर्ट डेटा। अब मुझे एक चीज को जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है, इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं। ओके, समझ में आ गया सर? हेलो अंकित जी। यस सर। डाउट इसमें? नहीं नहीं सर, कंप्लीट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन में वही आपको रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन समझाता है। सेव पे आते हैं, सेव या सेव एज नॉर्मल सी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज जब करेंगे तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रखिएगा। जो सेव एज करते हैं, जनरली हम ब्राउज पे जाते हैं, यहाँ लोकेशन चूज करते हैं, यहाँ पे फाइल के नाम देते हैं, लेकिन यहाँ आपका आता है सेव एज टाइप, जो कि डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक होता है। अब इसके ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फाइल को सेव करें तो सेव एज करें, देख लें कि उस फाइल में कोई माइक्रो एलिमेंट तो नहीं है, मतलब कि कोई माइक्रो प्रोग्रामिंग तो नहीं है उसमें। अगर किस तरह के कोड या प्रोग्रामिंग है और उस फाइल को अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आगे चल के जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो सारे माइक्रो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो एक्सेल वर्कबुक है ये है .xlsx, जो कि माइक्रो डिसेबल वर्कबुक होता है, वो किसी भी तरह से माइक्रो फाइल को कैरी नहीं करता है। तो अगर आपकी माइक्रो होंगे तो सारे के सारे लॉस्ट हो जाए। तो उस केस में आप जो है अपना फाइल टाइप चूज कर सकते हैं एक्सेल माइक्रो वर्क नेबल वर्कबुक, एक्सेल माइक्रो नेबल वर्कबुक। अब एक बार फाइल टाइप मैं आपको समझा देता हूं, जाइए मैं एक बार यहां पे आता हूं डेस्कटॉप। हाँ देखिए, तो समझा समझिए कि ये जो फाइल आपको दिख रही है ना, ये जो फाइल तो दिख रहा है, ये आपके नॉर्मल एक्सेल फाइल है .xlsx। इसमें सिर्फ एक्सेल का डेटा होगा, इसमें किसी भी तरह का माइक्रो होने का कोई चांसेस नहीं। पहली चीज। दूसरी, जो आपका ये दिख रहा है ना स्पेशल मार्क और इस तरह का जो लगा हुआ है, ये है माइक्रो अनेबल वर्कबुक, तो ये माइक्रो कैरी करता है। इसका कोई जरूरी नहीं कि इससे माइक्रो होगा ही होगा, नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, मतलब हम नॉर्मल डेटा को भी माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कर सकते हैं और माइक्रो वाली फाइल को भी सेव कर सकते हैं। उसका आइकन कुछ इस तरह से होता है जो दिखाया आपको, और ये जो आइकन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एडिंग। इसमें सिर्फ सिर्फ माइक्रो है,
कोई डेटा नहीं है इसमें, सिर्फ कोडिंग सेव की गई है। ओके, तो इस तरह का स्पेशल मार्क लगा है, इसका मतलब है कि माइक्रो एनेबल वर्कबुक है, इसमें माइक्रोज हो सकते हैं, इसमें माइक्रो होने के कोई चांसेस नहीं है, इसमें सिर्फ माइक्रो ही। एक और इस तरह से डायरी की तरह आपको आएगा, सिलेंडर की तरह, वो क्या है, ये है टेम्पलेट। ये क्या है, टेम्पलेट है, मतलब कि जब भी इसको हम ओपन करेंगे तो ये अपना एक कॉपी मुझे देगा। ये हमारे फाइल टाइप जो जनरली यूज होते हैं, उसके अलावा और भी इसमें है, जैसे कि आप, आपकी फाइल काफी बड़ी फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, और जब भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो हैंग होता है, ऐसे फाइल को आप जो है यहाँ पे बाइनरी वर्कबुक में सेव कर रहे हैं, तो आपकी फाइल की जो साइज है वो साइज थोड़ी सी कम जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी साइज जो 1000 MB की है वो आपको 100 MB हो जाएगी, तो कुछ हद तक रिड्यूस कर देता है। ये आपका ओल्ड वर्जन है, ये आपका CSV फॉर्मेट में सिर्फ डेटा सेव होता है और कुछ सेव नहीं होता है। उसके अलावा प्रिंट, नॉर्मली आपका डेटा प्रिंट करता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे क्लासेस में समझाएंगे। शेयर, अगर आपने पावर बीआई या वन ड्राइव वगैरह ले रखा है तो इसको, इस फाइल को आप वन ड्राइव में या शेयर पॉइंट में शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इसको आप PDF फॉर्मेट में डेटा को निकाल सकते हैं। पब्लिश, आपका कोई पावर बीआई यूज करते हैं तो पावर बीआई डायरेक्ट डेटा को पब्लिश कर देगा। क्लोज, फाइल को क्लोज कर देगा। ओके, उसके बाद हम अकाउंट में बात करते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो यहां पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या माइक्रो, अगर मान लीजिए अपडेट है इसे मैं जाना अपडेट करना चाहता हूं तो मैंने क्लिक कर दिया, तो जो भी अपडेट चेक करेगा उसको डाउनलोड करके मेरे इस एक्सेल में इंप्लीमेंट कर देगा। देखिए अब कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने 365 में फायदा होता है कि आप अपने एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं। फीडबैक, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई फीडबैक देना है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑप्शन, एक्सेल में किसी भी तरह की सेटिंग को चेंज करना है तो हमारा ऑप्शन यूज की जाती है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम टेम्पलेट पर बात करते हैं। हमने टेम्पलेट में आपको ये समझाया कि बने बनाए फॉर्मेट को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बने बनाए फॉर्मेट है उसको, लेकिन अगर आपको खुद का फॉर्मेट बनाना हो तो आप बोलेंगे सर खुद का फॉर्मेट बनाने का क्या फायदा। देखिए, आप ऑफिस में कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट यूज करते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले प्रीवियस वाले रिपोर्ट को ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं, कल भाई डेटा जो प्रीवियस डे का डेटा है उसको आप डिलीट करके हटा देते हैं, फिर नई डेटा डालते हैं। अगर आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ब्लैंक देगा, जैसे कि अभी आपने देखा है जो कैश दिख रहा है, आपको दिख रहा है कैश, मैं जैसे इसको ओपन करूंगा मुझे हमेशा एक कैश वन, तो यह हमारा दे दिया, मैं इसको फिल कर दूंगा, फिल करके सेव करके मेल कर दिया, इसका मतलब नहीं कि मेरा कैश जो हमारी इसमें है कैश नाम का जो फाइल है वो हमारा चेंज होगा, जी नहीं, इसने इसने इसकी एक कॉपी दिया है कैश वन, जैसे कि आप नया फाइल खोलते तो आपको बुक वन मिलता है, बुक टू मिलता है, ऐसे यहाँ पे कैश वन, कैश टू, कैश थ्री ऐसे मिलेगा। तो कैसे बनाया गया इसको, कुछ नहीं, इसको सेव कर, आप पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लें, अच्छे तरीके से फॉर्मेट अपना तैयार कर लें। आपने जैसे अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद आपको फाइल मेनू बार में सेव एज पे जाना है। सेव एज पे आने के बाद यहाँ अपना नाम वगैरह डिफाइन कर लें, उसके अलावा यहाँ सेव एज टाइप में एक्सेल टेम्पलेट, जी हाँ एक्सेल टेम्पलेट, ध्यान रखिए एक्सेल टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑफिस टेम्पलेट कुछ ला गया, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो और सेव कर दीजिए। तो जैसे टेम्पलेट में सेव करेंगे तो आपका एक तो आइकन कुछ इस तरह से हो जाएगा, और जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो हमेशा
आपका एक नया ब्लैंक वर्कबुक में अपना टेम्पलेट ही ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होगा, समझ गए? कोई डाउट आप लोगों को इसमें फाइल मेनू बार में? नहीं सर। तो फाइल मेनू बार में अंकित जी और सोनम जी, हमने आपको समझाया कि किस तरह से हम फाइल नया फाइल लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, टेम्पलेट खुद से कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, सेव करते समय आप एक्सटेंशन का क्या ध्यान रखें, कौन सा फाइल का क्या आइकन है, कैसे प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं ताकि हम कर्सर रख के पता कर दें कि उस डेटा में क्या है। ओके, बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे कि प्रिंट की सेटिंग वगैरह है या इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो इन पे हम आपको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है ऑप्शन, मतलब कि एक्सेल की सेटिंग, एक्सेल एप्लीकेशन की सेटिंग। अब बोलेंगे सर आप तीसरी चौथी क्लास में एक्सेल की सेटिंग पढ़ा रहे हो। देखिए जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं, एटलीस्ट हम एक नया सेलफोन लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर, उसका अलार्म सिस्टम, सब कुछ हम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं ना। तो उसी तरीके से आप जब अपना एक्सेल भी लें तो उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस डिफॉल्ट सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज करें ताकि आपको काम करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना। तो ये चीजें हम आपको कल बताएंगे। तो आपको आज की क्लास की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका टेम्पलेट। ये आपके ऑफिशियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ऑफिस में आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होंगे जिसको डेली बेसिस से बनाना होता है, तो आपको हमेशा उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा नई आज की डेट में, क्योंकि पुरानी फॉर्मेट को उठाएंगे और फिर उसमें जो डेटा था चेंज करके आज की फॉर्मेट बनाएंगे। तो हर दिन आपको नया फॉर्मेट जनरेट करना है, उससे अच्छा है कि आप एक फॉर्मेट का टेम्पलेट बना लें, तो बस ओपन करें और अपना काम करते चले जाए। ये टेम्पलेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज, फाइल की प्रॉपर्टी चेंज को में अपडेट करना। देखिए तो कभी कभी हमें बहुत फाइल ढूंढने पड़ जाती है, तो आप जो है फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेन रखेंगे तो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्सर क्लिक करते ही आपको वहां पे इंफॉर्मेशन दे देगा कि फाइल क्या है। लेकिन ये हर फाइल में कर पाना मुश्किल है क्योंकि काफी टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन जो फाइल फ्यूचर में यूज हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि एक तो डेली यूजेस पर डे उसको यूज करना है तो वो तो पता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी फाइलें होती है हमने बना ली, हमने भेज दिया, अब इन फ्यूचर में 5-6 महीना बाद हो सकता है यूज हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे। या मैं तो बोलूंगा कि एक फाइल लोकेशन सिस्टम तैयार करके रखे, मतलब कि एक शीट में जो भी आप फाइल बनाते हैं उसकी कंप्लीट डेटाबेस रखे, फाइल का नाम, किस डेट को क्रिएट हुआ था, किस डेटा पे क्रिएट हुआ था, किसके लिए क्रिएट किया गया था और उसका लोकेशन क्या है, उसको सेव कहां गया है, उसकी एक पूरी डेटाबेस तैयार। उससे क्या होगा, दो चीजें होगी। पहली चीज है कि आपको फाइल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कभी छुट्टी पे जाते हैं, आपके सिस्टम पे कोई थर्ड पर्सन काम करता है तो उसको समझाना नहीं पड़ेगा, फोन करके फलाना फाइल इस ड्राइव में रखा है, उस ड्राइव में रखा है, यहाँ से उठा लो, वहां से उठा लो, उसको फाइल खोलो, फाइल खोलो, सारे फाइलों की लिस्ट है, कौन सा फाइल क्या करता है, सब कुछ दिया दिया होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात होगा वो होगा जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपका हैंड ओवर देने में बड़ी आसानी होगी। तो फाइल लोकेशन सिस्टम आप तैयार करते हैं। ओके सोनम जी, अंकित जी, तो प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में एक्सेल की सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके okay. मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके थैंक यू। कल की रिकॉर्डिंग मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको? नहीं अभी तक नहीं आई है मेरे पास। नहीं आज नहीं करी सर आपने, मैंने आपको दिन में बोला भी था नहीं करी थी। ओके देख लेता हूँ। ऐसे आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली गई है, आईपीटी इंडिया यूट्यूब पे सर्च करके मेरे चैनल पे चले जाएं और वहां से देख ले, या चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको सब्सक्रिप्शन वाले लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है सर, वैसे मैं देख लूंगी, लेकिन फिर भी आप आज शेयर कर दीजिए, फिर मैं कल से वही देख लूंगी। ठीक ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय।